हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विटामिन से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टोकोफेराल। फ्रेंड्स, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम फेराल। तथा विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो फिलोक्विनोन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दो, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थायमिन। फ्रेंड, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, B3। अगला क्वेश्चन है, थकान एवं जोड़ों में दर्द किस विटामिन की कमी से रहता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, B5। विटामिन की कमी के कारण जोड़ों में दर्द रहता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन के की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। फ्रेंड्स, विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं बनता है, खून का थक्का बनना और बालों का झड़ना, ये सभी कारण हैं विटामिन के। अगला क्वेश्चन है, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, B3। विटामिन की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेटिनॉल। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनन शक्ति में कमी या फिर बांझपन जैसी बीमारियां होती हैं विटामिन ई की कमी से। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिकेट्स रोग, जिसमें पैर धनुषाकार हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइबोफ्लोविन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है, फिलोक्विनोन किसका रासायनिक नाम है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन के का। फ्रेंड्स, विटामिन ई का रासायनिक नाम है तो टोकोफेराल, और विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटिन, से भी आप लोग याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन सी की कमी से होता है, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग, और विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग, विटामिन ई की कमी से बांझपन, इसे भी आप लोग याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है, पेंटोथेनिक अम्ल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन B5 का। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेरी बेरी रोग। फ्रेंड्स, विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है? तो स्कर्वी रोग, और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी रोग, से भी आप लोग याद रखेगा। फ्रेंड, जिस क्वेश्चन का जवाब आपको आता हो तो कमेंट करके अपना जवाब जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैल्सी फेराल। और राइबोफ्लेविन किस विटामिन का नाम है? तो विटामिन B2। और फिलोक्विनोन किसका है? तो विटामिन के का। और टोकोफेराल विटामिन ई का। अगला क्वेश्चन है, साइनोकोबालामिन कौन से विटामिन का रासायनिक नाम है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन B12 का, जिसमें से कोबाल्ट धातु पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पायरोडॉक्सिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, B6 विटामिन का रासायनिक नाम है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, पायरोडॉक्सिन B6 विटामिन का नाम है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बायोटिन।
थायमिन किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन B1 का, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन ए की कमी से। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्कॉर्बिक एसिड या स्कॉर्बिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, हरी सब्जियों में ज़्यादातर कौन सा विटामिन पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन ए। और खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन सी पाया जाता है। फ्रेंड्स कमेंट करके बताइए कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, कौन सा फल होता है। अगला क्वेश्चन है, मछली के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन टी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से मसूड़ों से खून निकलता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन सी की कमी से। अगला क्वेश्चन है, चर्म रोग में कौन सा विटामिन सहायक है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन ए पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की अस्थियां किस विटामिन की कमी से मुड़ जाती हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन डी की कमी से। फ्रेंड्स याद रखिएगा, विटामिन डी की कमी से अस्थियां संबंधित रोग होता है, जैसे रिकेट्स रोग। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गाजर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन B12 में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन आँखों के लिए सबसे अच्छा होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन ए। फ्रेंड्स याद रखिएगा, विटामिन ए आँखों के लिए सबसे अच्छा होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के यकृत में कौन सा विटामिन होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन ए। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, मानव शरीर के यकृत में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की रोशनी में कौन सा विटामिन पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन डी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है? और ऑप्शन ए है संतरा, ऑप्शन बी है इमली, ऑप्शन सी है नींबू, ऑप्शन डी है आंवला। फ्रेंड्स याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंवला। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए के आविष्कारक कौन है? ऑप्शन ए है होलकट, ऑप्शन बी है मैगुलन, ऑप्शन सी है हॉपकिंस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैकुलन। अगले क्वेश्चन है, विटामिन बी के आविष्कारक कौन है? ऑप्शन ए है पुरकिंजे, ऑप्शन बी है हॉपकिंस, ऑप्शन सी है होलकट, ऑप्शन डी है मैकुलन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैकुलन। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक होलकट ने किस विटामिन की खोज की थी? ऑप्शन ए है विटामिन ए की, ऑप्शन बी है विटामिन बी की खोज की थी, ऑप्शन सी है विटामिन डी की, ऑप्शन डी है विटामिन सी की खोज की थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन सी की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा का कार्य करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन ए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन
सी। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B12 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि रक्त अल्पता, खून की कमी और एनीमिया रोग, ये सभी विटामिन B12 की कमी से होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को प्रजनन विटामिन विटामिन भी कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन ई को। अगला क्वेश्चन है, डर्मेटाइटिस रोग किस विटामिन की कमी से होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन सी की कमी से। अगला क्वेश्चन है, बी समूह विटामिन कितने विटामिनों का समूह है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8 समूहों का विटामिन है। अगला क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ADE के, तथा जल में घुलनशील कौन सा विटामिन है? तो विटामिन B6, इसे भी आप लोग याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन यकृत में प्रोथाम्बिन के निर्माण के लिए जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन के। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन के अभाव में मनुष्य नपुंसक हो जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन ई के अभाव में। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से शुष्क छिपांक रोग हो जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन ए की कमी से। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन का नाम फॉलिक अम्ल है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन B9 का रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? ये इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, गेहूं अंकुरित गेहूं के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन ई, जिसकी कमी से नपुंसकता जैसी बीमारियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है, बी समूह विटामिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है, बालों का सफेद होना किस विटामिन की कमी से होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन B3 की कमी से। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को सनशाइन भी कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन डी को सनशाइन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन बैक्टीरिया द्वारा आंत में स्रावित होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन B1। अगला क्वेश्चन है, ऑस्टियो मलेशिया रोग प्रौढ़ में किसकी कमी से हो जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन D की कमी से ऑस्टियो मलेशिया रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन D की कमी से। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में संक्रमण रोकने का कार्य कौन सा विटामिन करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन A। अगला क्वेश्चन है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन C नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैसिमीर फंक 1911 में। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए का निर्माण कहाँ होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यकृत में। याद रखिएगा फ्रेंड्स, मानव शरीर में विटामिन ए का निर्माण यकृत में होता है। अगला क्वेश्चन है, पायरोडॉक्सिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन है, और विटामिन B5 का पेंटोथेनिक अम्ल, विटामिन B9 का फॉलिक अम्ल, और विटामिन B3 का कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें मुख्यतः विटामिन ए पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पालक में। फ्रेंड्स, आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है कमेंट करके जरूर बताइएगा।
अगला क्वेश्चन है, निकोटिनेमाइड किसका अन्य नाम है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नियासिन का। अगला क्वेश्चन है, पके हुए आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए एवं बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, बिना पॉलिश चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थायमीन, यानी कि विटामिन बी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, प्रमुख विटामिन कौन से होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। फ्रेंड्स, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके 65 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपको आते थे।